नमस्कार दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत मेजर सर्जरी है और ये सर्जरी हम बार बार नहीं कर सकते हैं। बहुत कॉस्टली है, बॉडी के ऊपर डिमांडिंग है और आजकल के माहौल में हर आदमी के पास पैसे की कमी है। बच्चे को अगर तकलीफ होती है तो माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतज़ाम करके ये सर्जरी कराते हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने कुछ ही महीने पहले ये सर्जरी कराई है लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम चाहते थे कि हमारी सर्जरी इस तरह से होती। क्या ये सर्जरी दोबारा हो सकती है? तो हमारा जवाब होता है नहीं, क्योंकि ये सर्जरी कोई मजाक नहीं है। ये सर्जरी एक ही बार अच्छी होती है। अगर इसको बार बार किया जाए तो पैसे की बात अलग है, आपके शरीर पर भी स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है और सेकेंड सर्जरी का रिजल्ट कभी भी उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना पहली सर्जरी का होता है, अगर ठीक से की जाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल, सबके हाथ में फ़ोन है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है। पर क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है? क्या आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट है? ये बताना हमारा काम है कि आपके लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब या गूगल पर दी जा रही है तो वो आपको कितनी इस्तेमाल करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितनी फेक है और कितनी ओरिजिनल है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे प्रोसीजर्स हिप आर्थराइटिस के बारे में, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बताए गए हैं। जैसे कोर डीकम्प्रेशन की बात करें, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कोर डीकम्प्रेशन करके, जिसमें काफ़ी पैसा और वक्त बर्बाद होता है और हम आपको बार बार समझाते रहते हैं कि ये प्रोसीजर बिल्कुल यूजलेस है। इसी तरह से पिछले दिनों काफ़ी एग्रेसिवली पुश किया गया था ड्यूअल मोबिलिटी हिप को, तो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि ड्यूअल मोबिलिटी एक बहुत अच्छा इम्प्लांट नहीं है, बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, खास तौर पर यंग पेशेंट्स के लिए जिनमें पहली बार हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है। ड्यूअल मोबिलिटी सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए ठीक है जो एल्डरली पेशेंट हैं, बुजुर्ग पेशेंट हैं, जिनमें बार बार ऑपरेशन किया जा रहा है और बार बार डिसलोकेट हो रहा है हिप। यंग पेशेंट्स के लिए ड्यूअल मोबिलिटी नहीं है, लेकिन मार्केट में मार्केट फोर्सेस ऐसी होती हैं कि उसको स्पॉन्सर किया जाता है, बार बार पुश किया जाता है ये दिखाने के लिए कि ड्यूअल मोबिलिटी से आप जमीन पर बैठ सकते हैं, आप चौकड़ी लगा सकते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। इसी तरह से हमारे पास कुछ पेशेंट सवाल पूछते रहते हैं कि MIS टेक्निक क्या है। एक्चुअली MIS टेक्निक क्या है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है कि MIS टेक्निक ऐसे होती है, वैसे होती है, लेकिन ये हमारा फर्ज है आपको बताना कि एक्चुअली ये टेक्निक क्या है और इसकी वजह से पेशेंट को क्यों फायदा मिल रहा है। तो ये मैंने एक स्केमेटिक डायग्राम बनाया है हिप ज्वाइंट का। हम सब जानते हैं कि हिप ज्वाइंट एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल को हम हेड कहते हैं और सॉकेट को एसिटेबुलम कहते हैं। एक नॉर्मल पर्सन में हेड सॉकेट के अंदर क्यों रहता है, क्यों डिसलोकेट नहीं होता है? पेशेंट कुछ भी एक्टिविटी करे तो हमें डिसलोकेशन का खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो हिप ज्वाइंट को स्टेबलाइज करती हैं। जब हम कन्वेंशनल टेक्निक से सर्जरी करते हैं तो हम एक बड़ा इंसीजन लगाते हैं स्किन में और उसकी वजह से ये सारी लेयर्स डैमेज हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। तो पेशेंट जब भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेगा, जमीन पर बैठने की एक्टिविटी करेगा, चौकड़ी लगाएगा, इंडियन टॉयलेट यूज करेगा, तो देर आर चांसेस कि डिसलोकेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने टिश्यूज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। MIS टेक्निक में हम सिर्फ छोटा एक 8 सेंटीमीटर का इंसीजन, जो एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है MIS टेक्निक की, हम सिर्फ 8 सेंटीमीटर का एक छोटा इंसीजन लगाते हैं और किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते हैं। जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सिर्फ मसल्स को अगर हम प्रिजर्व कर लें तो डिसलोकेशन नहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि 5 चीज़ें, स्किन, फेशिया, मसल, लिगामेंट्स और कैप्सूल, ये जो 5 स्ट्रक्चर हैं, जब तक हम इन 5ों को इंटैक्ट नहीं रखेंगे, हम पेशेंट को कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि आपका हिप डिसलोकेट नहीं होगा नीचे बैठते हुए। तो सिर्फ मसल को प्रिजर्व करने से हमारी बात नहीं बनेगी, हमें स्किन, फेशिया, मसल, लिगामेंट्स और कैप्सूल, इन सब को प्रिजर्व करना है। यही MIS टेक्निक है।
तो आई थिंक जिन लोगों के क्वेश्चंस थे कि MIS टेक्निक जेन्युइनली क्या चीज़ है, तो MIS टेक्निक सिर्फ मसल्स को प्रिजर्व करने की टेक्निक नहीं है, ये जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं हिप जॉइंट के आसपास उन सब को प्रिजर्व करने की टेक्निक है। और इसीलिए हमें वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम पेशेंट को सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, वो ज़मीन पर बैठ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिसलोकेशन। तो हमारा हमेशा से यही एम रहा है कि आप लोगों तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें, और ये जो इतना बड़ा फैसला आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट का, इसमें आपको बेस्ट इम्प्लांट, बेस्ट टेक्निक और बेस्ट रिजल्ट मिले। थैंक यू वेरी मच।